कितने बेरहम होते हैं वो इंसान जो किसी इंसान का खून करते हैं। कत्ल जैसा संगीन अपराध, मानवता के नाम पर कलंक, एक दिल दहलाने वाली लावारिस हत्याओं की अनसुलझी कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2011 के एक सर्वे के मुताबिक पिछले 6 सालों में देश भर में 2,22,446 लावारिस लाशों का पता चला है। औसतन एक दिन में 102 लाशें अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हत्याकांड ने महाराष्ट्र पुलिस की नींद उड़ा दी और सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि इन हत्याओं का तरीका एक ही था, सरकलम। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कौन कर रहा था ये कत्ल और क्यों। ऐसे 52 लाशें मिली हैं। सबके हत्याओं का तरीका एक ही जैसा है, सभी को मुंडी काटकर मारा गया। दोगले, ये केस हमारे डिपार्टमेंट की काबिलियत पर शक पैदा करते जा रहा है। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। सर, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, समझो। एक गलती थी, इनकी सिर्फ एक गलती, फिर ये हमारे हाथ से नहीं छूटेंगे। आज वो तो चकावत चौकशी का, गांव वालों को कुछ तो पता होगा। सर, 52 लाशें मिली है, देखना कोई लापता है कैसा होगा। अगर किसी को अरेस्ट करना पड़े तो अरेस्ट करना, मुझे रिजल्ट चाहिए आज के आज, अभी। सर, ये प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, इस तरह की भाषा का उपयोग लोग जादू टोना के लिए करते हैं। जादू टोना? पैसे से? जी हाँ, ये बहुत पुरानी प्रथा है। पैसों के जरिए काला जादू करके लोग अक्सर खजाने ढूंढते हैं। पर इस खजाने से इन हत्याओं का और इनकी तरीकों का क्या लेना देना? हो सकता है सर काटने का रिवाज बलि से हो और खजाने के लिए ये बलि दी जा रही। इन सभी 52 लाशों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके सामने विशेष होगी। इन मर्डर के पीछे मकसद जाए जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो एकदम साफ है, सारे मर्डर का पैटर्न और हथियार सेम है। पिछली हत्याओं से मिलता जुलता है। इन सारी हत्याओं के पीछे किसी गैंग का हाथ हो सकता है।
इतने लोगों को एक साथ एक आदमी नहीं मार सकता। मिस्टर चोगले, ये 52 हत्याएं एक दिन में नहीं हो सकती, 6 महीने में अलग अलग समय पे किए गए, इसलिए हो सकता है इसमें कोई गैंग का हाथ ना होकर किसी एक आदमी का हाथ हो सकता है। फिलहाल ये सारी लाशों की हालत बिल्कुल खराब है, जितनी जल्दी हो सके आप इन लाशों को उनके घर वालों तक पहुंचा दीजिए। वही तो प्रॉब्लम है, जिन लोगों के फैमिली के लोग मिसिंग है, हमने उन्हें दिखाया, उन्हें पहचानने में मुश्किल हो रहा है। एक रास्ता है DNA टेस्ट। जिस फैमिली के लोग घर से गायब हुए उनका इन लाशों के साथ DNA टेस्ट करवा दीजिए, पहचान हो जाएगी। पुलिस के पास अब बस एक ही उपाय बचा, DNA। उन्होंने मिसिंग फैमिलीज का DNA करवा दिया, जिसमें महेश का DNA भी शामिल था, जिसका भाई सुनील अपने परिवार के साथ कई महीनों से लापता था। सभी लोग DNA की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर चौगले की धरपकड़ जारी थी, जबकि महेश के लिए यह विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि उन 52 लाशों में से एक उसका भाई भी हो सकता है। उसने फैसला किया कि वो खुद अपने भाई को ढूंढने की मुहिम चलाएगा, और फिर महेश ने उन सभी लोगों से मिलना शुरू कर दिया जो उसके भाई सुरेश को जानते थे। लेकिन अफसोस, दोनों के हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही। फिर DNA की रिपोर्ट आई, 52 लाशों में से सिर्फ महेश के भाई सुनील और उसके परिवार की लाशें ही पहचान में आई थी। पुलिस के पास महेश के भाई सुनील की हत्या के जरिए मुजरिमों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा बचा, इसलिए इंस्पेक्टर चौगले ने इन्वेस्टिगेशन का रुख सुनील की ओर कर दिया। महेश और इंस्पेक्टर चौगले का मिशन अब एक ही था, किसी भी कीमत पर कातिल को पकड़ना। मुझे अफसोस है आपके भाई और परिवार के लिए। महेश, इससे ये बात तो पता चलती है कि तुम्हारा भाई भगोड़ा नहीं था, वो किसी बड़े साजिश का शिकार हुआ है और हमें उन लोगों को ढूंढना है। देखो महेश, तुम्हें इस सिलसिले में पुलिस की मदद करनी होगी। भी तैयार है साहब, अब जो भी कहूं मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर साहब इसने भी मेरा भाई और उसके परिवार की हत्या की है ना, अब उसको जल्द से जल्द पकड़ लेना साहब। देखो, उन्हें एक ना एक दिन पुलिस के हाथ आना ही है। बहुत से लोग तुम्हारी तरह ही अपने परिवार का गम मना रहे होंगे, उनका भी तो हिसाब लेना है। मैंने सुनील की केस रीओपन कर दी, सुनील से जुड़ी हुई हर जरूरी बात के बारे में मुझे पता करना है। मैंने अपने लोग उसके घर के बाहर लगवा दिए हैं, मैं खबरियों की भी मदद ले रहा हूँ, इससे मुझे ये पता चलेगा कि सुनील किससे मिलता, सुनील का झगड़ा किसके साथ हुआ था। सुबह से काम करो। जी सर। ये सुनील की मोबाइल की कॉल डिटेल्स मंगवाओ और पता करो कि वो कौन आदमी था जिसने आखिरी बार उसे कॉल किया था। ओके सर। इंस्पेक्टर चौगले बोलते है। सर, वो सुनील के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। बस क्या साहब, अब किसी की प्रॉपर्टी खरीदना गुनाह है क्या? मुर्दों से सौदा कैसे होता है क्या? सुबह सुबह मैं ही मिला था। अरे, सुनील भाव ने खुद अपना घर मेरे से बेचा, वो भी उनके गायब होने से 2 दिन पहले। अचानक उसे पैसों की क्या जरूरत है? आपको उसके सर पे बहुत बड़ा कर्जा था, मैंने सोचा शायद इसीलिए वो जल्दी में अपना घर बेच रहा। अब मुझे क्या मालूम कि वो घर बेच के अपने मौत का सामान खरीद रहा है। डील कितने में हुई थी? यही कोई 17 लाख रुपए। 17 लाख? मैंने जो पैसे दिए थे उसमें ये नोट थी। साहब, 17 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, अब कौन सी नोट कहाँ थी वो मुझे कैसे पता? और कौन था इस टीम में? राजेश। साहेब, राजेश एक दलाल है, हर चीज का सौदा करता है। राजेश का
तो 10 दिन से वैष्णो देवी गए। उसका फोन क्यों बंद है? फोन करता है वो तुम्हें? हाँ। किस नंबर से? बात तो उसी नंबर पे होती है, वो पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं ना, इसलिए फोन बंद रखते हैं। चालू करते ही बात हो जाती है। आइंदा अगर उसका फोन आया तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना। और हाँ, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि पुलिस उसके पीछे है, समझे? तुम दोनों के लिए वो अच्छा रहेगा। कोई फोटोग्राफ है उसका? हाँ। लाना जरा। नहीं सर, वैसे सुनील मुझसे सब कुछ बताता था, मगर ये घर बेचने वाली इतनी बड़ी बात उसने मुझसे क्यों छुपाई ये नहीं पता मुझे। औरंगाबाद से नासिक क्यों गया ये भी नहीं पता, नासिक में कोई नहीं है उसका साहब। ये सुनील किस तरह का आदमी, मतलब उसका इस जादू टोने जैसी बातों पे विश्वास था? नहीं साहब, बहुत धार्मिक था वो, और साहब थोड़ा बहुत तो कोई भी इन बातों पर विश्वास रखेगा ना। पर ऐसा क्यों पूछ रहे साहब आप? हमें 500 रुपए की एक नोट मिली सबूत, उसमें एक काली जादू की भाषा लिखी हुई। मुझे ये बताओ, कभी भी सुनील ने तुमसे कोई खजाने के बारे में बात की? नहीं सर। सर मैंने सुनील के सारे कॉल डिटेल्स निकलवाए। सुनील ने जिस आदमी को सबसे आखिरी बार फोन किया था उसके घर पर मैंने खबरी भेजा। काका संता गुटे। बेटा वो तो मर गया, 3 साल पहले ही मर गया वो। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि वो तो मर चुका है। फिर मैंने टेलीकॉम कंपनी के जरिए उस शॉपकीपर को ढूंढा जिसने वो सिम इशू किया था। क्या साहब, कितने लोग आते हैं, किसकी शक्ल याद रखे गए इधर? एक तो गलती करता है, ऊपर से स्टाइल मारता है। इसे दूसरे के डॉक्यूमेंट पे सिम कार्ड दिया क्यों तूने? अब हो गया ना गलती साहब। गलती हुई ना, अब भुगतना भी पड़ेगा। जब तक ये अपराधी नहीं मिलते ना इस केस के, तब तक तेरा भी नाम इस केस में इन्वॉल्व है। दुकान छोड़कर भागने का नहीं, समझा? लेकिन वहां पर भी कुछ खास नहीं मिला सर, फेक डॉक्यूमेंट देके ही सिम इशू हुआ। वो राजेश का क्या हुआ? सर राजेश के घर पे मैं गया था, 2-3 हफ्तों से घर से गायब है। उसकी वाइफ कह रही है कि वो तो वैष्णो देवी गया है, लेकिन राजेश ने जब उसे फोन किया था उसके जरिए राजेश का नेटवर्क नासिक दिखा रहा है सर। नासिक? या। ये बताओ तुम राजेश को जानते हो? जी। मतलब सुनील ने कभी इसके बारे में बात की थी? सर सुनील के जितने भी दोस्तों को मैं जानता हूँ उनमें से किसी का नाम राजेश नहीं है। नहीं सर, नहीं जानते। राजेश, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये राजेश को अगर हम पकड़ लेंगे तो पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। अगर ये राजेश नासिक में है तो इसे हमारे बारे में पता चला होगा, फिर ये नासिक से निकलने की कोशिश करेगा, और अगर ये बाहर जाना चाहेगा तो इसे पैसे की जरूरत होगी, और ये पैसे वो एटीएम से निकालेगा और हम उसे एटीएम में पकड़ लेंगे। एक काम करो, राजेश के बैंक को कॉन्टेक्ट करो, उन्हें कहो जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन राजेश करता है उसके बारे में हमें SMS से पता चलना चाहिए। मतलब जैसे ही राजेश ने किसी ATM से पैसे निकाले उस ATM का एड्रेस हमें आना चाहिए SMS। ATM पे हमारे आदमी लगा दो और ये फोटो उनके पास दे दो। अब देखता हूँ वो बच के कैसे जाएगा। राजेश ने अशोक नगर के ATM से पैसे निकाले। अच्छा, जल्दी करो। हाँ बोले इकबाल। साहब वो मेरे आगे ही जा रहा है। हाँ
मैं देख रहा हूं, पीछे देख। एक काम करना, अपनी बाइक साइड में लेना। सुनो, तुम लोग मुझे फॉलो करना। जी सर। अरे अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? राजेश भाऊ, कैसे चल रहा है सब? अब मस्त चल रहा है बॉस। अरे बड़े मजे चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर, चलो अब हवालात में मजे करते हैं। ये नोट देख, पहचानता है इसे? चल बता। बता दो साहब, ये सब खेल पैसों की बारिश का है। पैसे की बारिश? ये क्या चक्कर है? बहुत बड़ा चक्कर है साहब, लाखों का। कुछ दिन पहले मुझे समीर नाम का एक आदमी मिला, उसने एक चमत्कारी पापा के बारे में बताया जो पैसों की बारिश करता था। बारिश तो एक बहाना था, झूठ मूठ के मंत्रों के साथ किसी भी पेड़ से कुछ पैसे गिरा के लोगों को ये दिखाते थे कि पेड़ से पैसों की बारिश हो रही है, और अंधविश्वासी लोग इसे शक्तियों का चमत्कार समझते थे। पैसों का लालच बहुत बुरा होता है साहब, कोई भी आसानी से विश्वास कर लेता था। जब हम उसको एक कदो देने की बात करते थे, और वो भी बिना किसी मेहनत के एक ही झटके में, हमें पता था कि हमारे आसपास बहुत अंधविश्वासी लोग रहते हैं। हम उन्हीं लोगों को टारगेट करते थे जो कर्जे में डूबे हुए लोग होते थे। हमें सारे मुर्गे एक ही जगह से नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों से पकड़ते थे। ऐसे लोगों के गायब होने पर कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। मैं मुर्गे लेके आता था और वो उनकी बेटा था। और सुनील भी उन्हीं में से एक था। मुझे पता था कि वो बहुत कर्ज में है और उसे जादू टोटके में लूटा जा सकता है। सुनील जी, काम पक्का हो जाएगा। पहले बाबा तुम्हें एक डेमो दिखाएंगे, उसके बाद ही तुम काम करवाना। और हाँ, जब काम करवाने आओगे तो बाबा पहले पूरे परिवार का एक यज्ञ रखेंगे, फिर तुम जितना पैसा लगाओगे उसे बाबा डबल कर देंगे। सच? तो मैं तैयार हूँ, कैसे भी करके ये कर्जे से मुझे निकाल दो। लेकिन इतने पैसे नहीं मेरे पास। अरे उसकी चिंता मत करो, कैश नहीं है तो क्या हुआ, आपके नाम का घर तो है, वो सब मैं संभाल लूंगा, मुझ पर छोड़ दो। फिर मैंने सुनील भाऊ को पाटिल से मिलवाया। पाटिल रोकड़ा पैसा देकर कोई भी चीज सस्ते में खरीद लेता है। उसने 24 लाख की प्रॉपर्टी 17 लाख में खरीद ली। और इसके लिए मुझे मोटी दलाली भी मिली दोनों पार्टी की तरफ से। फिर मेरा तीसरा कट्टा समीर और बाबा की तरफ से जो मुझे मिला सुनील को उससे मिलाने का। सुनील पैसा लेकर 15 जून को नासिक के लिए निकल पड़ा। उसको बताया था मैंने कि प्लान के बारे में अगर किसी को भी पता चल गया तो शैतानी शक्तियां नाराज हो जाएंगी, और फिर पैसों की नहीं
खून की बारिश होगी। वाइफ और बच्चों को भी नहीं बताना जब तक कि पूजा खत्म ना हो जाए। और उसने ऐसा ही किया। साहब, साहब मुझे बचा लो, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। देख, मुझे उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है। सुहास, चल फोन लगा उसे और बताना एक बड़ा मुर्गा हाथ लगाए। ये क्या है? साहब वो इस नंबर के सिवा और किसी नंबर से फोन नहीं उठाता। मतलब आखिरी बार तूने इसी नंबर से सुनील को फोन किया था? हाँ साहब, समीर ने मुझे फर्जी डॉक्यूमेंट से निकलवा के यह सिम दिया था। मेरे पास डबल सिम वाला मोबाइल है, एक में मेरा पर्सनल है और दूसरे से मैं ये सब काम करता हूँ। और एक बार काम खत्म हो गया तो मैं फोन से सिम निकाल लेता हूँ। ठीक है, फोन लगा और फोन स्पीकर पे रखना। हाँ राजू बोल, बहुत दिन बाद याद किया। हाँ भाऊ, आपको तो पता ही कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए मैं आराम से फोन करता हूँ। भाऊ, एक मुर्गा है 25 लाख का। हाँ ठीक है, अरे पहले डेमो दिखा देंगे। तुम इसे कब लेके आओ? जगह और दिन कल बताता हूँ। देखो महेश, तुम्हारे भाई के हत्यारों को पकड़ने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा और इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। साहब, अब ये मामला मेरे भाई का नहीं रहा है। मेरे काम करने से न जाने कितने परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। साहब तुम्हें सांगा माला क्या करना होगा मुझे। गुड। राजेश, लक्ष्य ठेव, कोई भी चालाकी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए परेशानी बन जाएगी। शायद बेहतर मन तो उनको अभी क्या भी गिरफ्तार कर लो। मैंने पकड़े थे, पर मैं उन्हें सबूत के साथ पकड़ना चाहता हूँ। जब उनके हाथ में तलवार होगी और वो मुर्गा काटने की पूरी तैयारी में होंगे। महेश, उनसे अगली डेट और टाइमिंग लेना मत भूलना। राजेश, चालाकी नहीं। पैसों की बारिश हो रही है। ये पूजा नहीं है, ये ट्रिक है। समीर जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी टोकरी जिससे रस्सी बंधी हुई है, उस टोकरी में पैसे हैं। जब वो खींचता है तो टोकरी उल्टी हो जाती है और पैसे गिरने लगते हैं। ए बारे, लोगों को लगता है कि पैसे की बारिश हो रही है। सन्नाटा।
तीन बकरा और फंसा है, कर लेता हूँ। बाबा कह रहे हैं कल शाम का बहुत अच्छा मुहूर्त है, पैसों की बहुत अच्छी बारिश होगी। तुम पैसे लेकर कल 3 बजे आ जाना, लेकिन पूजा 4 बजे शुरू होगी और अकेले आना, और इस बारे में किसी से बात मत करना वरना पैसों की जगह खून की बारिश होगी। मैं अकेले आऊंगा पैसे लेके, किसी को बताऊंगा नहीं। ठीक। रुपयों का पेड़, कितनी अजीब बात है कि कोई ढोंगी बाबा लोगों को इस तरह के छलावे से भी बरगला और बहका सकता है, पर इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि लोग इस तरह के झांसे में आ जाते हैं। चुटकी बजाते ही रुपयों को दोगुना या चौगुना कर देने का जादुई मंत्र आखिर कैसे लोगों की सोच और समझ को मार देता है। जाहिर है कि इस मति भ्रम का जड़ लालच है। इस तरह के प्रपंची बाबा अपने शातिर दिमाग की बदौलत नहीं बल्कि हमारी लालच की वजह से हमें लूट जाते हैं। पर ढोंग और फरेब का यह मामला सिर्फ रुपयों तक सीमित नहीं था। दौलत की बारिश के बीच हत्याओं की साजिश का यही राज महेश के जरिए पर्दाफाश करने जुटी थी पुलिस। लिहाजा महेश 25 लाख रुपए लेकर ठीक 3 बजे उस जगह पर पहुंचा। पीछे पीछे इंस्पेक्टर चौगले और उसकी टीम सादी वर्दी में उस जगह के आसपास पहुंच चुकी थी। वो लोग किसी भी कीमत पर मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर चौगले ने इस मिशन के लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हो गया था? सर 4 बज गए। 4 बज गए। चलो। लगता है उन लोगों ने जगह बदल दी। शपथ, भाग गए। देखता हूं कहां तक भागते हैं, छोड़ूंगा नहीं। सर एक आदमी ने ना 3 लोगों को पहाड़ी के रास्ते जाते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि वो इस पहाड़ी और जंगल के रास्ते को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मात दे गए। चलो जल्दी। लगता है कि मेरा भाई और उसके परिवार को भी इसी तरह लालच देकर मारा होगा।
पैसों की बारिश करने वाली काली शक्तियां तुम पर पैसों की बारिश करेगी। तुमने मेरे भाई को मारा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तुमने मेरा पूरा खानदान छोड़। भाई को मारा तुमने। जो हमें नहीं जानता उसे भी हम मार देते हैं, और जो हमारे रहस्य को जानता है उसकी सजा तो मौत से भी बुरी होती है। आगे बताओ, हम तो जाएंगे, साथ में पैसे फेंक देंगे। हम सच कह रहे हैं, एक भी कदम आगे बढ़ाया हम कूद जाएंगे। भाई शपथ ऊंचा कर, कूदो कूदो ताकि तुम्हें भी पता चले मौत का एहसास क्या होता है। कूदो कूदो आगे बताओ। देखो बचपन से पहाड़ियों पर चढ़ने का खेल खेल रहे हैं हम लोग। पकड़ो इसको, पकड़ो इनको। हमारा देश हर क्षेत्र में लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस अंधविश्वास का काला साया आज भी हमसे जुदा नहीं हो सका है। पैसों की बारिश या तो हम सपने में देखते हैं या फिर हमने कहानियों में ही सुना है। असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता और ना ही कभी हो सकता है। वैसे एक जुमला तो हम बचपन से सुनते आए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। राजेश, समीर और बाबा जैसे लोग ऐसे ही अनविश्वासी लोगों का फायदा उठाते हैं। लेकिन एक और जुमला आपने सुना होगा, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसे अपराधी एक न एक दिन कानून के गिरफ्त में फंस ही जाते हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को इस विभत्स अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई। ढोंग, फरेब और दर्दनाक कत्लेआम के इस सिलसिले को तो पुलिस ने रोक दिया, लेकिन आज भी हमारे देश में इस तरह के अंधविश्वास का जोर है। सावधान हो जाइए ऐसे खतरनाक अपराधियों से, और खुद भी ऐसे फरेबियों से सतर्क रहिए और दूसरों को भी कीजिए। जुर्म से डरिए मत, उसका डट कर मुकाबला कीजिए, जैसे महेश ने किया। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।